गुड इवनिंग, मेरा नाम सैयद जमालुद्दीन खातरी है और बाई क्वालिफिकेशन में एमसीए और एमबीए करा हुआ हूँ और ट्रेडिशनल बिजनेसेस में हूँ, स्कूल से और दूसरे कुछ कारोबार है। इसके साथ साथ वेस्टिज बिजनेस बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। इसके कुछ कॉमन रीजंस हैं। बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि ये कॉमन सेंस का बिजनेस है। मुझे लगा कि ये कॉमन सेंस का बिजनेस है। आई एम श्योर जितने लोग अभी यहाँ बैठ करके प्रेजेंटेशन देख चुके हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि कॉमन सेंस का बिजनेस है, राइट? और क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे आप बताइए, क्यों नहीं करना चाहिए? कोई एक रीज़न आप बताइए, मैं 10 रीज़न बताऊंगा आपको करने के। खैर, तो कॉमन सेंस का बिजनेस है, करना चाहिए तो मैंने कर लिया। दूसरा रीज़न मुझे करने का ये है कि जब मुझे बिजनेस दिखाया गया तो ये बताया गया कि आपको दुकान बदलनी है और दुकान बदलने से यानी प्रोडक्ट बदलने से अगर आपको पैसे आते हैं तो कौन बेवकूफ होगा जो दुकान नहीं बदलेगा, ऐसा मैं सोचा, राइट? आप भी सोच रहे होंगे कितने लोग ऐश्वर्या राय को ज़्यादा चाहते हैं और कितने लोग अपनी बीवी को ज़्यादा चाहते हैं। अभी आप हंस रहे हैं। अगर आप कपिल के साथ, वाइफ हस्बैंड साथ आए हैं तो मैं वाइफ को बोलूँगा, अगर कल इन्होंने अगर अपना प्रोडक्ट नहीं बदला और वेस्टिज पे नहीं आए, वेस्टिज के प्रोडक्ट्स नहीं लाए, तो शौहर लोग समझ जाइए कि वो अभी भी ऐश्वर्या राय को ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है ना? अब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बात इतनी है, अगर आप लक्स इस्तेमाल करते हैं तो ऐश्वर्या राय को पैसे जाएंगे, अगर आप वेस्टिज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बीवी के लिए आप सोना दिला सकते हैं, आपकी बीवी के लिए कुछ कर सकते हैं, राइट? बात इतनी ही है, फैक्ट यही है, राइट? सही है, सोना बोलते थालियों के बाद ज्यादा थी बोलते, सोना ही चाहिए ना भाई, नहीं तो वो फिर सुष्मिता सेन बोलेगी सोना कितना सोना है, पता नहीं उसको कितना सोना है, राइट? तो वैसे वाली बात है। और मतलब बेवकूफ़ भी होना चाहिए कोई कि अगर दुकान बदल करके पैसे कमाए जा सकते हैं और ना कमाए तो वो बेवकूफ़ होगा। और मुझे पक्का यकीन है इस हॉल में जितने लोग हैं अकलमंद है और यहाँ पे कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, राइट? और हम उसके बाद मेरे को जो प्लान दिखाए थे उनका नाम कुलकर्णी सर, उनके लेके एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा। तीसरी बात मुझे समझ में आई, जैसे मैंने दुकान बदली, कुछ किया नहीं था, महीने के आखिर में बिजनेस शुरू किया था, मेरे घर के लिए प्रोडक्ट्स लिए, तो महीना खत्म होते 280 रुपये का चेक आया मुझे, 280 रुपये का चेक आया, तो फौरी उठा के उनको कॉल किया, बोला 280 रुपये है, कुछ किया नहीं मैं भी, बोले दुकान बदले ना आपको आना चाहिए पैसे, तो बोला और पैसे आने के लिए क्या करना चाहिए, बोले कुछ अकलमंदों को आपकी तरह और कुछ अकलमंदों को आप ढूंढ लो, कुछ लोगों को जुड़ा लो इस बिजनेस में, तब जाकर के और पैसे बढ़ जाएंगे। उसी महीने जिस महीने मैंने काम किया, अब यही मैंने मेरा दूसरा महीने का असल चेक था 22,000 चिल्लर रुपए का। इसके बाद मैंने पलट के वापस देखे नहीं। अब आप एक बात बताइए मेरे को, आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस मैन है, 22,000 रुपए की अहमियत नहीं होगी, लिख के रखिएगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना उसके पास पैसे की अहमियत ज़्यादा होती है, जिसके पास नहीं होता है ना उसके पास पैसे की अहमियत नहीं होती, करेक्ट? तो 22,000 रुपये जब आए तो मतलब मेरी ज़िंदगी अगर 22,000 से बदल सकती है या 22,000 रुपये मायने रख सकते हैं तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में भी बिल्कुल रख सकते हैं। तो वहाँ से हम शुरू हो गए, काम करते गए और आज हम यहाँ पर है, कई लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये बिज़नेस करने से कार मिलती है, मुझे तो ये भी पता नहीं था तब कि ये बिज़नेस करने से आपको हाउस फंड मिलेगा और घर मिलेगा। मुझे ये भी पता नहीं था जिसने प्लान दिखाया कि ये बोला कि आपको ट्रैवल फंड मिलेगा और आपकी ट्रैवल हो सकती है फ्री में। अब हम लोग जा रहे हैं मार्च में या अप्रैल में, आई डोंट नो, वेस्टिज डिसाइड करेगा, फ्री पेड थाईलैंड की ट्रिप को जा रहे हैं। ये पता नहीं था फिर भी हमने चालू कर दिया बिजनेस, आपको पता चल चुका है ना, करेंगे? यस, सवाल उतना ही है, राइट? तो क्यों करना चाहिए, करेंगे तो अमिताभ बच्चन की जिंदगी चेंज हो सकती है, आप बिजनेस करेंगे तो ऐश्वर्या राय की जिंदगी चेंज हो सकती है, ऐसा है क्या? किसकी जिंदगी चेंज हो सकती है? सवाल इतना है कि क्या आप अपनी जिंदगी बेहतर के लिए बदलना चाहेंगे? यस, करना चाहेंगे तो ये बिजनेस आपका है, अपलाइन की मदद लीजिएगा, लग जाइएगा, जुट जाइएगा और इस बिजनेस को कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, इतने सब लोग सब बता दिए, करना क्या है वो मैं बोल देता हूँ। करना दो तीन काम है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस तरीके की मीटिंग जहाँ भी होती है, बड़ी मीटिंग जहाँ भी होती है, ऐसे 21 मीटिंग्स अटेंड करना है आपको, कितने? 21। अब 21 मीटिंग्स अटेंड करना है तो खर्चा भी होगा, राइट? तो अब आप कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिएगा, 21 मीटिंग्स का 100 रुपये भी अगर, 50 रुपये अगर टिकट होता है तो कितने होते हैं?
11 1050 रुपए, राइट, 1025 या 50 रुपए, राइट, 1000 रुपए है आपके पास अगले 21 मीटिंग्स अटेंड करने के लिए ऑन एन एवरेज है, मान लिए, राइट। अब 21 मीटिंग यानी 21 हफ्तों में 21 मीटिंग होगी तो कितने महीने हो जाएंगे? 3 महीने, 4 महीने। 4 महीने में इस बिजनेस में अगर आप 21 मीटिंग अटेंड करते हैं और जो मीटिंग में बताया जाता है उस मीटिंग से मोटिवेशन लेकर के अगर वो काम कर लेते हैं, मेरे हिसाब से मैं मेरे पहले महीने में 21-22 हज़ार रुपये चिल्लर कमाया था। अब आपके लिए अगर मैं सोचता हूँ तो 10,000 भी सोचता हूँ 4 महीने बाद, कम से कम 10,000 भी अगर सोचता हूँ तो क्या वो 1000 रुपये लगाना और 21 मीटिंग के लिए वक्त निकाल करके अटेंड करना वर्थ हुआ? यस। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर आपको आपकी नौकरी से कमाना है कितना टाइम लग जाएगा? 10 साल। 1 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल वेट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इंक्रीमेंट के लिए। यहाँ पे आप 3 से 4 महीने में आप कमा सकते हैं, कर सकते हैं। यस। दूसरा काम आपको करना है, ये मीटिंग में जब आप आते हैं तो एसोसिएट होते हैं लोगों से, राइट, इस तरीके की बड़ी मीटिंग्स में आना है। अब एक बेहतरीन मीटिंग होने वाली है, आप लोग लकी है, नए पुराने जितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम, आप तो आएंगे ही आएंगे, आप अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं उनको भी लाइएगा। एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आ रहे हैं आपके हमारे चीफ मेंटर, इंडिया के मेंटर, जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, उनका नाम है श्री एस पी भरेल जी, श्री डॉक्टर एस पी भरेल जी। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इस बिजनेस में DUCD हैं, करीब 1 करोड़ रुपये महीना कमाते हैं विस्तृत से, वो उनसे मिलना चाहेंगे? Yes. आप अगर चाहें तो उनसे बैक स्टेज जाके मिल सकते हैं, आप अपने डायमंड डायरेक्टर, आप अपने क्राउन डायरेक्टर से मिलिएगा, मिलके टिकट बुक करिएगा उनसे। 1 करोड़ के आदमी से मिलने के लिए कितना टिकट लगाना चाहिए? 10,000। 500 5,000, वेरी गुड, तालियां भाई के लिए। बट यहाँ मकसद उनको मिलाने से पैसे कमाने का नहीं है, यहाँ ये मीटिंग का मकसद, जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग का मकसद है कि अगर आप उनसे हाथ भी मिला लें, अगर आप उनको दूर से देख भी लें, अगर आप उनको दूर से सुन भी लें, तो आपकी ज़िंदगी में भूचाल आएगा, तूफान आएगा, और वो तूफान पॉजिटिव के लिए होगा और वो आपकी ज़िंदगी आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर बदल देगा। तो इसके लिए उस मीटिंग का नाम है, ये याद रखिएगा, ये मीटिंग का नाम थोड़ा हटके है तो नाम याद रखेंगे आप तब जाके टिकट बुक कराएंगे ना, राइट। ये भाई 5,000 रुपये देंगे बट हमें 5,000 नहीं चाहिए। इस मीटिंग का नाम है आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स यानी हटके सोच की, हटके कुछ सोचना चाहिए। देखिए वो जो जिंदगी जी रहे हैं, आप क्यों पैदा हुए, क्यों जिंदा हैं और कब मर जाएंगे पता नहीं चलेगा लोगों को, मगर क्या आप चाहेंगे कि आपके पैदा होने का मकसद आप हासिल करें, कुछ लोगों की ज़िंदगी बदलें? अगर आप ये सब चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जुड़ना होगा, उन लोगों को मिलना होगा, उन लोगों से बात करनी होगी जो ये कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट। तो वो है एसपी भरेल जी, और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स मीटिंग हो रही है 5 फरवरी को, कब हो रही है? 5 फरवरी को, फरवरी को। और आप अगर जॉब करते, संडे आ रहा है ना, जॉब करते तो छुट्टी लगा दीजिएगा, 5 फरवरी को अगर आप जॉब पे हैं तो छुट्टी लगा दीजिएगा, ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए था, सबके लिए नहीं था, ठीक है ना। और टिकट कितना लगता है पता है? सिर्फ 3,000 रुपये उस टिकट का, वर्थ है? यस। कितने लोग आना चाहेंगे 3,000 देके 1 करोड़ के आदमी को सुन के? आने वाले 10 साल में शायद आप भी 1 करोड़ रुपये महीना कमाएंगे, हो सकता है, राइट। चलिए हम आपसे 3,000 भी नहीं लेंगे, सिर्फ 300 रुपये लेंगे, मगर 300 रुपये इसमें भी आपका रहेगा। हम ऐसा 300 के लिए जो थालियाँ मारे ना जितने जने, हम ऐसे ही समाज बदल रहे हैं। Yes. लोग होते होते 3,000 के लिए भी थालियाँ मारेंगे एक दिन आएगा। Yes. सिर्फ 3,000 ले रहे हैं, 30,000 महीना कमा रहे हैं, 3,000 क्यों नहीं ले रहे, राइट। ऐसा होना चाहिए, सही है ना। तो 300 रुपये का प्रॉब्लम ये है कि वो टिकट ऑनलाइन है, 300 रुपये का प्रॉब्लम ये भी है कि वो 2 शोज हो रहे हैं क्योंकि हैदराबाद बड़ा सिटी है और उनका टाइम कीमती है, तो श्री सत्य साई कल्याण मंडपम में 2 शो 2 प्रोग्राम हो रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग का शो फुल हो चुका है, बुक हो चुका है, इवनिंग शो शायद 4 बजे से और सही टाइम है, अपने लिए भी संडे है, बिरयानी वरियानी खा के आप आराम से 4 बजे सुनने के लिए आ सकते हैं, सोने के लिए नहीं, सुनने के लिए, सही है ना। तो 4 बजे का शो में कुछ टिकट्स बची हैं, तो मैं चाहूँगा आप, इतने लोग आपके अपलाइन हैं यहाँ पे,
उनको पकड़िएगा, टिकट मिले ना मिले, आपको अगर थिएटर में पिक्चर देखिए कभी, वो कमाशा पड़े थे ना कपड़े फाड़ के करके, राइट, तो आपको टिकट होना रहा तो मेरे को नहीं मालूम, मैं दे दिया मैं पैसे, मेरे को नहीं मालूम टिकट दे देना, तो वो सिचुएशन अभी चल रही है यहाँ पे, टिकट्स का शॉर्टेज है, आप अपने अपलाइन को 300 रुपये थमा दीजिएगा, अब उसके बाद उनकी जिम्मेदारी, वो जाने, विनिंग टीम जाने, आपको सीट देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो टिकट बुक कर सकते हैं। yes! तीसरा काम आपको करना है, यहाँ से एक साल आप अपने सपनों को दे सकते हैं। yes! एक साल करना क्या है मालूम, चाहिए बिजनेस आपको होता हुआ लगे, ना होता हुआ लगे, ये बिजनेस चलता हुआ लगे, नहीं चलता हुआ लगे, किसके लिए, खुद के लिए, बिजनेस तो चल रहा है, लोग कमा रहे हैं, राइट, आप आउट ऑफ द बॉक्स मीटिंग में आएंगे तो आप देखेंगे लाखों के यू नो इनकम कमाने वालों को, राइट, तो ये आपके लिए चले या ना चले, होए ना होए, आप हाई हो या लो हो, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है ना, उतार चढ़ाव का, तो ये बिजनेस में जब ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे तो आप गिव अप नहीं करेंगे, इस बिजनेस को आप एक साल अपने लिए ट्राई करने का मौका देंगे, कर सकते हैं। yes! चाहे ये बिजनेस चले ना चले, आपके लिए एक साल आप इस मीटिंग्स में आते रहेंगे, आएंगे। yes! मैं वादा करता हूं, अगर आप ये तीन काम कर लेंगे आने वाले एक साल में, आपकी शानदार कार, जैसा आज हमारी प्रशांत जी की कार अनवीलिंग होने वाली है, ऐसी 12-15 लाख की गाड़ी आपकी हो सकती है, और मिनिमम 60 से 1 लाख रुपए के बीच आप कमा सकते हैं। अगर ये रिजल्ट आपको पसंद है, ये दो चीजें, तो ये तीन काम कर दीजिएगा। अगर ये दो चीजें पसंद है, कार चाहिए, yes! 60,000 से 1 लाख रुपए महीना एक्स्ट्रा चाहिए, yes! आप कितने लाख लिए, इतना आसान दिख रहा है ना, 1 लाख 1 लाख बोल रहे हैं। आज भी रिसर्च बताती है कि 1% या 3% के अंदर लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में जो 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। यहाँ बैठे लोगों में देख लीजिएगा कौन, अगर मैं बोलूंगा शर्मिंदा हो जाएंगे, बट बताइए कितने लोग हैं जो 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, नहीं मिलेंगे लोग, नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आसान है ये बिजनेस, राइट, तो हम आपको बता रहे हैं ऐसी चीज जो आपको हिंदुस्तान के 3% में ला के खड़ा कर सकती है, हिंदुस्तान के 3% में, राइट, आना चाहेंगे। yes! अगर ये आपको दो चीज पसंद है, यानी 1 लाख रुपए महीना और कार छमछमाती हुई चाहिए एक साल के अंदर, तो क्या ये तीन काम कर सकते हैं आप? yes! पक्का? yes! ये प्रॉमिस आपको अपनी बीवी है तो बाजू बीवी को, बच्चों को, अगर बाल भी बच्चे साथ नहीं है, आंख बंद करके आप उनको प्रॉमिस कर दीजिएगा, और अगर कल आपका पेस्ट नहीं बदला, साबुन नहीं बदला, तेल नहीं बदला, पत्ती नहीं बदली, शैम्पू नहीं बदला, तो इसका मतलब सीधा सीधा होगा आपकी बीवी शौहर को नहीं चाहती है, शाहरुख खान को चाहती है, अमिताभ बच्चन को चाहती है, और शौहर ऐश्वर्या राय को, ये ज़्यादा तकलीफ दे सेकेंड वाला, शौहर ऐश्वर्या राय को चाहता है, आपको नहीं चाहता है, तो कितनी हाउस वाइफ से हाथ उठाइए, प्रोडक्ट चेंज करा देंगी? नहीं नहीं, दिस मीन्स नो, दिस मीन्स यस, नहीं कराएंगे? करा सकते हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज जो अनमैरिड है क्या करेंगे, अपना सोच रहे हम तो बच गए। क्या आप अपने माँ बाप को चाहते हैं, क्या आप उनको माँ बाप को अपना अच्छा सुख देना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको प्रोडक्ट बदलना पड़ेगा, और कोई खराब प्रोडक्ट नहीं है, लेट मी टेल यू, लक्स से अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है ये, हम अगर मैं साबुन की बात करूं, अगर मैं साबुन की बात करूं, लक्स तो सिर्फ झाग देता है, क्यों सिर्फ झाग देता है, मैं लिख के देता हूं, ऐश्वर्या राय जिंदगी भर बोलते रह गई मेरे सौंदर्य का राज लक्स, उसकी खूबसूरती का राज लक्स हो सकता है क्या, झूठ है, तो बचा क्या साबुन, कुछ भी नहीं देता उन्हें, साबुन क्या देता, झाग देता, हमारा साबुन भी झाग देता है, झाग के साथ साथ चमचमाती हुई कार भी देता है, प्लस प्लस बीवी से मोहब्बत भी देता है, राइट, तो क्यों नहीं बदलना चाहेंगे, तो मैं हमेशा बहुत पहले बोलता था, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो वेस्टिज से कभी नहीं करेंगे इनकार। थैंक यू सो मच, डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद बैठे रहिए, ठीक है, दो तीन अनाउंसमेंट्स है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एक तो जैसे अभी जमा सर ने बताया कि 5 तारीख का फंक्शन